रात के चमकते तारों और चांद की। ओहो एक मिनट एक मिनट, नहीं। फिर क्या हुआ ये वीडियो। ओहो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खरीदे तो आफियत के साथ होंगे। जी तो नाजरीन, आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज का व्लॉग इसी टॉपिक पे होगा कि एक नया यूट्यूबर जब कोई अपनी वीडियो शूट करता है तो वो किन किन मुश्किलात से दो चार होता है, उसके मुंह से अल्फाज उसके मुंह से निकलना या निकलवाना तो, या फिर वो उसकी जो हिचकिचाहट होती है या उसको बोलने का जो मसला दरपेश होता है तो वो क्या क्या कुछ करता है। तो आज इंशाल्लाह हम आपको वो लाइव दिखाएंगे। मेरे साथ एक यूट्यूबर्स नए यूट्यूबर्स मौजूद हैं और वो वीडियो शूट करने लगे हैं और ये बिल्कुल कैमरा सेट हो रहा है जी हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप? आज आपने शर्माना नहीं है, मैं आपकी सारी एक्टिविटी अपने ना भाई, मुझे नहीं मंजूर। ये देखें ये जो है ना, अब कहते हैं ना दिखाओ, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जब नया यूट्यूबर वीडियो शूट करता है तो क्या क्या कुछ करता है, कितने पापड़ बेलता है और कितने मराहल में से गुजरता है और फिर क्या होता है कि उसकी वो क्या कहते हैं कि उसका पंजाबी चैन चिकावा ला जाता है। आज फिर थोड़ा चिकावा लावांगे असीं, ठीक हो गया। तो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं ये क्या करते हैं, ये सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब तो कर देना, वो क्या कहते हैं हिट कर दें अब बेल आइकन को। फर्स्ट स्टेप, जब कोई नया बंदा कैमरे के सामने खड़ा होता है तो उसको वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो 0% होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा उसे उठाना पड़ता है, उसको हौसला देना पड़ता है, इनकर्ज उसे करना पड़ता है कि भाई नहीं कुछ नहीं होने वाला। आपने जस्ट यही करना है कि यार बोलो, आपके अंदर जो है वो लोगों को सुनाओ, कुछ नहीं होने वाला, ये सारे लोग आपको सुनेंगे और एक दिन आपको वो सारे लोग मानेंगे भी, आपके फॉलोअर्स होंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। गलत बोल रहे हो ना यार, क्या हो जाएगा, लोग कहेंगे ये गलत है ना, लोगों की बातों पे नहीं ध्यान देना, जो लोग सही काम करते हैं लोग उन्हें भी गलत कहते हैं, लेकिन एक दिन आता है फिर उन्हें मानते हैं। वीडियो बनाने से पहले अपने बाल सेट करना पड़ते हैं, व्यू क्या कहते हैं अच्छे लग रहे, ये इस तरह सारा करना पड़ता है, कैमरे में चेक करना पड़ता है, ये सारी परेशानियां यार यूट्यूबर्स के लिए है। दूसरा स्टेप ये होता है यूट्यूबर्स के लिए, जो आम प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो वॉइस रिकॉर्डिंग, यानी कि आपकी ऑडियो कैसी है, क्या कि उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, उसमें शोर तो नहीं आ रहा। इस चीज़ को करने के लिए यूट्यूबर्स क्या करते हैं, हमारा यूट्यूबर्स भी कुछ कर रहा है, ये नीचे से ये देखें माइक, यहाँ पर माइक लगा रहे हैं, ये करना पड़ता है, ठीक है ना। तो नाजरीन रात गए एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो, परफॉर्म करना पड़ता है सामने कैमरे के सामने खड़े होकर। तो आपको कुछ दिखाते हैं, जब बंदा पहली दफा परफॉर्म कर रहा होता है तो क्या कुछ गुजरता है आप देखिएगा जरा, आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा कि किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आप वीडियो बना रहे हैं। तो आपको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आया कि कॉन्फिडेंस क्या आपका उसी लेवल पे होता है जब वीडियो बनाने से पहले होता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं जनाब ऐसी वीडियो बनाऊंगा, तो क्या क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? कैमरे का फोकस सेट कर, नया यूट्यूबर हूँ तो एक दिन होगा इंशाल्लाह अल्लाह किसी ना किसी को साथ भेज देगा। नहीं क्या शर्म आती है खुद खोलते हुए आपको? नहीं भाई शर्म नहीं, ये शर्म कर रहा हूँ कि अभी छोटा हो। अच्छा अभी छोटे, छोटा यूट्यूबर अभी छोटा, जब बड़ा होगा एक इधर होगा एक इधर होगा। अच्छा ये भी बिल्कुल इंशाल्लाह होगा, एक दिन आएगा। अच्छा अच्छा इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भैया ये एक पेज है, रात पूरी इसको लिखा है, सुबह आपके जेरे नजर की है, जेरे समाज की है, जेरे नजर नहीं किया, जेरे समाज की है। असल यूट्यूबर हौसला इस चीज पर हार जाते हैं जब वो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आगे से रिस्पांस नहीं आता, जब रिस्पांस नहीं ना आता तो नहीं, इतनी सिचुएशन सख्त तो नहीं होती लेकिन
जो खड़ा होता है ना, अगर मैं आज खड़ा हुआ हूँ, मेरे जेहन में ये था कि मेरे सामने सारा पंडाल ही अवाम से भरा हुआ है, ये कैमरा सारी अवाम का पंडाल ही है जो मुझे देख रही है, तो इसलिए इस तरह का कॉन्फिडेंस होता है कि सारी अवाम हंसे ना। बस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथी बार दोबारा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्या मसला है अभी, ये क्या होता है जी? मेहनत का सिला तो इंशाल्लाह अल्लाह जरूर देगा, मेहनत हो रही है। कभी जी सर रह गया, कभी क्या कहते हैं ग्लासेस में शुआएं पड़ रही हैं, कभी आलू छोनो वाला आ गया था, कभी ये वॉइस का चक्कर होता है, कभी इधर से आके कुल्फियां ले लो, आलू छोले ले लो, पतीसा ले लो, ये सारी प्रॉब्लम्स एक नए यूट्यूबर्स के लिए हैं, क्योंकि इतना माइक हैवीली नहीं होता, जो हमारी जो साउंड है वो जो है उसमें, ये देखें आप ये कुछ कर रहे हैं, वो यार अगर कैमरे के, हर एक तो कैमरे के आगे से गुजर रहा है, ये सारा कुछ होता है इसमें।